डॉक्टर अरुणा जैन, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर से। आज ब्रेस्ट फीडिंग वीक के पहले दिन मैं उन कुछ क्वेरीज के बारे में बात करना चाहती हूँ, उन कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो नई मदर्स के मन में हमेशा रहते हैं। जैसे हम ब्रेस्ट फीडिंग को इतना स्ट्रेस क्यों करते हैं? बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट मिल्क, व्हाई डज एवरीबॉडी से सो? क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क ना सिर्फ नए बच्चे के लिए बल्कि माँ के लिए भी बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। ये माँ को ब्रेस्ट में होने वाले और ओवरीज में होने वाले कैंसर से बचाता है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और मोटापे जैसी बीमारियों से भी सुरक्षित रखता है। और वहीं दूसरी ओर यह छोटे बच्चे के लिए भी सबसे स्वास्थ्यवर्धक है। बच्चों में होने वाले अस्थमा, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जैसे निमोनिया, अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी कि उल्टी, दस्त, ऐसी कई बीमारियों से बच्चों का बचाव करता है। पर क्या कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं जहां ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करनी चाहिए, जिन्हें हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं? बच्चों में होने वाली एक बीमारी जो कि एक रेयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसे गैलेक्टोसीमिया, जिसमें बच्चा दूध को पचा नहीं पाता है, उस समय हमें ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करना ज़रूरी है। उसके अतिरिक्त मदर्स में होने वाले कुछ सिग्निफिकेंट सीरियस इन्फेक्शन जैसे HIV, HSV, HTLV या फिर अनट्रीटेड ब्रूसेलोसिस, इस केसेस में हमें ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि माँ को TB है या चिकन पॉक्स हुई है, उस केस में कुछ समय के लिए टेम्परेरीली डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग ना कराकर बच्चे को दूध निकाल कर दिया जा सकता है। एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क इज ऑलवेज अलाउड। इसके अतिरिक्त होने वाला खांसी, जुकाम, मौसमी बुखार, इन सब में ब्रेस्ट मिल्क को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइज कीजिए और बच्चे को दूध पिलाइए। अगला सवाल जो नई माओं के मन में हमेशा रहता है, ब्रेस्ट फीडिंग कब चालू करना चाहिए? तो ब्रेस्ट फीडिंग जल्दी से जल्दी चालू करना है। द फर्स्ट आवर इज अ गोल्डन आवर, स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग एज अर्ली एज यू कैन। हम जितना जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग चालू करेंगे उतना अच्छा बच्चे से बॉन्ड कर पाएंगे, क्योंकि जन्म के बाद पहला घंटा बच्चा सबसे ज़्यादा अलर्ट रहता है। उसके बाद के अगले 24 घंटे वो ज़्यादातर समय सोता है, उतना अलर्ट नहीं रहता। इसलिए पहला घंटा जो है वो माँ के लिए और बच्चे के लिए बॉन्डिंग में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग जल्दी से जल्दी चालू करिए। जो अगला क्वेश्चन मुझे हमेशा पूछा जाता है वो ये कि हर बार फीड कराते समय हमें कितना देर के लिए बच्चे को फीड कराना है? तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम घड़ी निकाल करके स्टार्ट और स्टॉप टाइम नोट कर सकते हैं। लुक फॉर योर बेबीज क्यूज, मतलब हमें बच्चे के इशारों को समझना है। अगर बच्चा हर फीड के बाद सेटिस्फाई हो गया है, रेस्टफुल है, सोना चाह रहा है, नींद में आ गया है, मतलब जितना उसने देर ब्रेस्ट फीड किया दैट इज़ इनफ। अगर वो एक्टिवली सक कर रहा है, स्वॉलो कर रहा है या फिडल कर रहा है, फिजिटी है, इरिटेबल है या इधर उधर गर्दन घुमा करके माँ के ब्रेस्ट को ढूंढ रहा है, इसका मतलब दूध पूरा नहीं मिला है। तो जब तक बच्चा एक्टिवली सक कर रहा है और स्वॉलो कर रहा है तब तक ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करिए। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन यूजली देखा गया है कि 15 से 20 मिनट हर फीडिंग सेशन के लिए इनफ होते हैं। इसमें बच्चे अपना पेट भर लेते हैं। क्या मेरे बच्चे को इनफ ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है? इसको जानने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, वेट डाइपर्स, बाउल मूवमेंट्स एंड एडिक्वेट वेट गेन। अगर आपका बच्चा दिन भर में, अगर 2 दिन का बच्चा है तो दिन भर में 2 डायपर्स, 3 दिन का बच्चा है तो दिन भर में 3 डायपर्स, 4 या 5 दिन का है तो 4 या 5 डायपर्स और उसके बाद में हर दिन 6 या 7 डायपर्स वो गीले कर रहा है, 6 या 7 बार बाउल मूवमेंट्स भी हो रहे हैं, मतलब पॉटी कर रहा है और उसका वेट एडिक्वेटली बढ़ रहा है। हर बार फीड कराने के बाद बच्चा अच्छे से रेस्टफुल रहता है, नींद में रहता है, अच्छा सोता है, वज़न उसका लगातार बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जितना भी दूध हम उसे दे रहे हैं उतना उसके लिए बिल्कुल पर्याप्त है, काफ़ी है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे को दूध चाहिए? व्हेन डू आई नो दैट माय बेबी रिक्वायर्स मिल्क? एट दैट टाइम अगेन आपको बच्चे के क्यूज़ को देखना है। अगर बच्चा इरिटेबल होने लगा है, रोने लगा है, मुंह घुमा के इधर उधर रूटिंग कर रहा है यानी कि माँ के ब्रेस्ट को ढूंढ रहा है, तो उस समय हमें बच्चे को उठा करके दूध पिलाना है। ब्रेस्ट फीडिंग किस उम्र तक कंटिन्यू करना चाहिए? द फर्स्ट 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग WHO रिकमेंडेड है। WHO ने भी कहा है कि पहले 6 महीने जन्म के बाद एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब ब्रेस्ट मिल्क के अलावा बच्चे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ भी नहीं देना है, एक बूंद पानी का भी नहीं देना है। उसके बाद अप टू 2 ईयर्स ऑफ एज, डिफरेंट अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मदर्स कुछ 1 साल तक, कुछ 1.5 साल तक और कुछ 2 साल तक भी बच्चों को फीडिंग कराती हैं। पर हमें उसमें यह ध्यान रखना है कि 6 महीने के बाद बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स के साथ वीनिंग चालू करनी है, मतलब सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क से उसका पोषण पूरा नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसके साथ में उसे और ऊपर के सॉलिड आहार देना ज़रूरी है। उस समय हमें वो स्टार्ट करने हैं, बाकी फर्स्ट 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो इसीलिए अब हम देख चुके हैं कि ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है।
इसलिए मैं सोसाइटी से और नई मदर्स से, उनकी फैमिली से यही अपील करना चाहूँगी, जो हमारी इस ब्रेस्ट फीडिंग वीक का थीम भी है इन 2022, स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट मिल्क।